वैसे तो आमतौर पर हम इंसान अपनी दिल की धड़कनें नहीं सुन पाते, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा जीव भी मौजूद है जिसके दिल के धड़कने की आवाजें 2 मील दूरी से भी सुनाई देती हैं? या फिर क्या आपको ये पता है कि मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है? तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो हमने बहुत से टीवी शोज पर या फिर अपने आस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही अच्छी तरह से किसी दूसरे इंसान की मिमिक्री कर लेते हैं, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की हो या फिर किसी नॉर्मल इंसान की। लेकिन क्या आप कभी ये सोच भी सकते हैं कि एक ऐसा पक्षी भी इस धरती पर मौजूद है जो मिमिक्री कर सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, एक पक्षी। लाइरे बर्ड नाम का ये बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आमतौर पर ये बर्ड बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन इनकी सबसे खास बात तो ये है कि ये पक्षी अपने आसपास हो रहे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल साउंड, जैसे कि अन्य पक्षियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ या फिर कैमरे की शटर की आवाज़ ही क्यों ना हो, ये पक्षी हर उस आवाज़ की मिमिक्री कर सकता है जिससे भी ये सुनता है। तो है ना ये अमेजिंग पक्षी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर हमें किसी इंसान या फिर किसी जानवर की दिल की धड़कने सुननी हो तो हमें क्या करना होगा? मेरी तरह शायद आप भी यही सोच रहे हो ना कि ये तो आम बात है, उसके सीने के पास अपने कानों को रखने से ही उसके दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई देंगी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी इस धरती पर एक ऐसा विशालकाय जीव रहता है जिसका नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये शायद कोई नहीं जानता कि उस जानवर की दिल की धड़कनें 2 मील यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी से भी हमें साफ साफ सुनाई देती हैं। वो जीव और कोई नहीं बल्कि ब्लू व्हेल है। जी हाँ, ब्लू व्हेल की हार्ट बीट हम 3 किलोमीटर की दूरी से भी साफ साफ सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। फेसबुक, ये नाम तो काफी जाना पहचाना है ना? वैसे तो हम सब बस इसका इस्तेमाल चैटिंग करने में, नए नए दोस्त बनाने में या फिर मेमे शेयर करने के तौर पर करते हैं, लेकिन फेसबुक से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर हम इमेजिन करें कि मानो अगर फेसबुक एक ऐप नहीं बल्कि एक कंट्री होता, तो क्या आप जानते हैं कि इसकी पॉपुलेशन चाइना से 100 करोड़ ज्यादा होती? क्यों, झटका लगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज के टाइम पे फेसबुक के टोटल यूजर्स 2.5 बिलियन यानी कि 250 करोड़ के आसपास है, वहीं चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ और इंडिया की 130 करोड़ के आसपास है। तो जरा सोचिए कि इन दो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज से भी ज्यादा लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि आज दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क मानी जाती है, जिसके फ्लैग पर 50 सितारे बने हुए हैं। क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिकन फ्लैग का डिजाइन किसने किया था? ये बात जानकर आप चौंक जाओगे। इस अमेरिकन फ्लैग का डिजाइन रॉबर्ट जी हेफ्ट नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने बनाई थी जब उसकी उम्र महज 17 साल की थी। वाओ, अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, हमारे दिमाग में ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज क्यों नहीं आते। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, जिराफ जिसकी गर्दन काफी लंबी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिराफ की जीभ की लंबाई कितनी होती है? नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ। जिराफ की जीभ की लंबाई 20 इंचेस के आसपास होती है। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, सपने तो हम सभी देखते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ऐसा जानवर भी है जिससे हम इंसानों जैसे ही सपने आते हैं? फ्रेंड्स, वो जानवर और कोई नहीं बल्कि चूहा है। चूहों को भी हम इंसानों की तरह ही अच्छे और बुरे सपने आते हैं। क्यों, सुनकर झटका लगा? फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, एक पक्षी या एक कीट हाइस्ट कितनी ऊंचाई तक आसमान में उड़ सकता है? आई थिंक 1000 फीट या फिर 2000 फीट। गलत। इस धरती पर एक ऐसा कीट मौजूद है जो इन सबसे काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, वो कीट है बी यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खियां 1000 फीट या 2000 फीट नहीं बल्कि ये माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। ओहो। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो जीन्स का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, चाहे वो बच्चे हो या फिर जवान, लड़के हो या लड़कियां, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस जीन्स का आविष्कार कब और किसने किया था? नहीं मालूम, हम हैं किस लिए, आइए मैं बताता हूँ। ब्लू जीन्स का आविष्कार 20 मई 1873 को लेवी स्ट्रॉस और जेकब डेविस नाम के दो बिजनेसमैन ने किया था। वैसे तो शुरुआती दिनों में ये जीन्स के पैंट्स फैक्ट्री में वर्कर पहना करते थे काम करने के दौरान, क्योंकि ये काफी टिकाऊ होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा फैशन में आया कि जीन्स के बिना फैशन वर्ल्ड मानो अधूरा ही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे मजेदार लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे रोमांचक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।